कहानी मैक्स की जुबानी। मैं ऑस्ट्रेलिया से न्यूयॉर्क में शिफ्ट किया हूँ, रॉयल हाइट्स में पढ़ता हूँ। आते ही सब लोगों ने मुझसे काफी दोस्ताना तरीके से पेश आए। नए स्कूल में फुटबॉल ट्रायआउट में मैंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, पर हर बार मुझे लूना के साथ प्रोजेक्ट करने को मिलता था। जो लड़की ठीक मेरे आगे बैठती है, बड़े बिलीनियर बिजनेसमैन देव माथुर और फेमस सिंगर नेहा सेट्टी की बेटी, जाने क्यों मेरा ध्यान बार बार उसकी ओर ही जाता है। उसकी कहानी जो जानने का मन करता है कि आखिर वह खुद की दुनिया में क्यों रहती है। क्या अमीर बाप की बिगड़ी घमंडी लड़की है या उसे लोगों का अटेंशन अच्छा नहीं लगता। कहानी लूना की जुबानी। स्कूल खत्म हो गया और मैंने देखा मैक्स क्लास के कुछ लड़कों के साथ बाहर निकल रहा था। बहुत जल्द उसने अपने दोस्त बना लिए हैं। मुझे स्कूल में और कोई ड्रामा नहीं चाहिए, ना ही वह चाहता होगा। मैं उससे आज स्कूल के बाद बच निकलने में कामयाब हो गई। फोन से असाइनमेंट के बारे में बात करना सबसे अच्छा आइडिया है। जब मैं निकलने गई, मैंने देखा सोनिया और रेखा एक दूसरे को हक कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि रेखा अब राज को भुला चुकी है, सोनिया से बात कर रही है। फिर मुझसे बात करने में उसे क्या दिक्कत है। किसी तरीके से मैं वहां से निकलकर बाहर हॉल में आई तो लड़कियों की भीड़ थी। भगवान कितना हॉट है, अरे यह तो मेरे पैरों को कमजोर बना रहा है। कोई इंसान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, यह हर एक औरत की कमजोरी होगी। मैंने अपनी त्योरी चढ़ाई, आखिर यह किसके बारे में बात कर रहे हैं। भीड़ को धक्का देकर जब मैं लॉबी में आई, आश्चर्य से मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आदित्य कार के सहारे खड़ा था, वह ऑफिस का सूट पहना हुआ था और मेरा इंतजार कर रहा था। उसे तो मियामी में बिजनेस ट्रिप में होना चाहिए था, तो फिर न्यूयॉर्क वापस कैसे आ गया, वह भी मेरे स्कूल में। मेरे भाई को सामने खड़ा देख मैं अपनी सारी समस्याएं एक पल के लिए भूल गई। सच में हमारे परिवार के लिए सूरज का किरण जैसा है। मुझसे पूछा, तुम्हारा क्लास कैसे चल रहा है। मैंने कहा, सब ठीक है, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसने कहा, मेरा काम खत्म हो गया है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं मेरी प्यारी बहन। हम दोनों अपनी फेवरेट आइसक्रीम खा रहे थे। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे साथ स्कूल में कभी बुली हुआ है। पर उसके चेहरे का भाव देखकर मैं बात को पलटते हुए कहा, मैं एक बायोग्राफी पढ़ रही थी, उसमें पता चला कि वह फेमस होने से पहले स्कूल में बुली किए गए थे। उसने कहा, कुछ लोगों के साथ ऐसा हादसा होता है, पर मुझे नहीं पता अगर तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा। शायद तुम जानना नहीं चाहोगी, अगर तुम्हारे साथ किसी ने ऐसा किया तो मैं क्या करूंगा। मैंने पूछा, क्या करोगे। उसने कहा, मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। यह सुनकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि मेरा हाल मुझे ही पता था। कहानी मैक्स की जुबानी। स्कूल में एक और दिन बीत गया और लंच ब्रेक आ गया। मैं इससे पहले लंच का इतना मूल्यांकन नहीं किया था, क्योंकि जितने देर मैं क्लासरूम में बैठा हूँ, मैं लूना माथुर के बाल को देखता रहता हूँ। मुझे इस बात से काफी चिड़चिड़ापन होता है। अमीर बाप की कितनी भी बिगड़ी बेटी क्यों ना हो, पर उसके बाल देखते ही मन करता है अपनी उंगली में उसके बालों को मोड़ कर उससे खेलूं। और जब मैं उसके शैम्पू को सूंघता हूँ, वह भी मदद नहीं करता। कल रात बार बार मैं यही सोच रहा था कि लूना को फोन करूं या नहीं। हमने इंग्लिश के असाइनमेंट साथ में किए थे और कंक्लूजन तैयार करना था, तभी उसका मेल आ गया। उस लड़की ने इतने अच्छे से लिखा था, ऐसे काम की मैं समालोचना नहीं कर सकता था। जब मैं खड़ा हुआ और लंच करने के लिए निकल ही रहा था, तभी एक लड़की मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे उसका नाम याद नहीं। हाय मैक्स, उसने कहा। उसकी आंखें मेरे जिस्म को तार कर उसका उपभोग कर रही थी। इस वीकेंड में मेरे बर्थडे पार्टी है, क्या तुम आओगे। उसने मुझे एक फॉर्मल इनविटेशन कार्ड दिया। मैं हैरत में था कि आखिर इसको कार्ड देने की क्या जरूरत है, सोशल मीडिया में ही तो बुला सकती थी। कार्ड में जरूरी सूचना लिखी हुई थी, जगह समय थीम और ड्रेस कोड, और नीचे नाम लिखा हुआ था रेखा। वह अपने बालों को कानों के पीछे करते हुए पूछी, तो तुम आ रहे हो। मैं मुस्काया, देखा उसके गाल गुलाबी हो गए। और कौन कौन आ रहा है, मैंने पूछा। दोबारे से मुस्कुराई, कहा, मैंने पूरे क्लास को बुलाया है और कुछ मेरे करीबी दोस्तों को, पूरे क्लास को, मैंने सोचा। मेरी आंखें लूना की तरफ गई, जो अभी अभी क्लास से बाहर निकली। क्या उसे भी बुलाया है। लूना, मैंने बुलाया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरे अंदर उत्सुकता भर गई थी कि क्या वह भी पार्टी में आ रही है। लूना ने सुना और वह रुक गई। मैंने देखा उसके कंधे चौकने हो गए, उसके पीठ मेरी ओर थी। क्या तुम रेखा की बर्थडे पार्टी में आ रही हो, मैंने पूछा। धीरे धीरे लूना मेरी ओर मुड़ी, इतनी धीरे था कि उसका कुछ मतलब नहीं बनता। रेखा ने उपहास किया और मैं लूना की आंखों में दर्द की झलक देखी। मैं
लूना ने बढ़ाकर कहा, मुझे नहीं लगता मैं वहाँ होंगी मैक्स। इतना कहकर वह चली गई और मैं अपना तेवर दिखाने लगा। मैं जानना चाहता हूँ कि वह सामाजिक तौर पर लोगों से मिलती है या नहीं, लेकिन फिलहाल यह सवाल पूछकर मैं अफसोस कर रहा था। वह नहीं आएगी क्योंकि वह आना नहीं चाहती या उसे आने का न्योता मिला ही नहीं। मैक्स, मुझे रेखा की आवाज़ सुनाई दी। वह मेरा जवाब सुनना चाहती थी, पर मेरी आंखें उस दिशा में थी जहां लूना अभी गायब हुई थी। जब मैं कैफेटेरिया में आया, मैंने अपना खाना ऑर्डर कर लिया और फिर अपने फुटबॉल टीममेट के साथ बैठकर खाने लगा। हम बातें कर रहे थे। हमारे कप्तान राज मेरे पास ही बैठे हुए थे। हम हंसी मजाक कर रहे थे और मैं इस बात से खुश था कि मुझे टीम में सिलेक्ट कर लिया गया है। मुझे अमेरिकन टीम के लिए खेलने का मौका मिलेगा। अचानक मेरे पास जमीन पर कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैं जम गया जब देखा लूना मेरे बगल में गिर गई थी और उसका पास्ता और सलाद जमीन पर गिर पड़ा था, जिसे वह उठाकर साफ करने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। क्या वह खुद से गिर गई? जब मैं खड़ा होने ही जा रहा था ताकि उसकी मदद कर सकूं, मैंने देखा किसी ने मेरे बाएं बाजू को पकड़ लिया। जब मैं अपनी सर घुमाई, देखा मेरे बगल वाला लड़का मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और मुझे चेतावनी देते हुए देख रहा है। मैंने दोबारा से लूना को देखा जो मेरे और राज के बीच में गिरी थी। जब मेरी आंखें राज पर गई तो कुछ अलग था जो मुझे पसंद नहीं आया। उसने अपनी आंखें घुमाई। चारों तरफ खुसुर पुसुर हो रहा था। कुछ विद्यार्थी वहां से गुजरे भी काफी ध्यान पूर्वक चलते हुए, ताकि गंदगी में उनके पैर न लग जाए। और इन अजीबोगरीब चीज जो मेरे आसपास हो रही थी वह देखकर मैं बिल्कुल जम गया था। मैं जिंदगी में अपने आप को इतना बेवकूफ कभी महसूस नहीं किया था। मेरे जानने से पहले ही लूना खड़ी हो गई और अपनी ट्रे लेकर वहां से चली गई। और तभी उस लड़के ने मेरा हाथ छोड़ा। मैं भी बैठकर हजम करने की कोशिश करने लगा जो अभी अभी मैंने देखा था। मैं उसकी मदद नहीं कर सका जबकि वह मेरे पास थी। बाकी लोग ऐसे एक्टिंग कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरी नजरें वापस खाने पर गई, पर मेरा दिमाग कहीं और था। स्कूल में कुछ तो अलग है। मुझे याद आने लगा केमिस्ट्री लैब में जो हुआ था। उसके हाथ में केमिकल गिर गया था पर किसी को उसकी परवाह नहीं थी। लूना को लूनाटिक कहकर बुलाते हैं यह लोग, और उसकी तरफ जो नफरत भरी निगाहों से देखते हैं। मैंने सोचा लूना माथुर लोगों को पसंद नहीं करती, वह अकेले रहना चाहती है। वह अजीब है, बड़ी सेलिब्रिटी की बेटी है, लोग उसको घमंडी समझते हैं। लेकिन क्या होगा अगर ठीक उसका उल्टा हो? हो सकता है उसने अपने आप को यूं बंद कर लिया है क्योंकि दूसरे लोग उसके साथ खराब बर्ताव करते हों। वह ऐसा करती हो ताकि मुसीबत से दूर रह सके। और क्या होगा अगर वह आउटकास्ट हो? मुझे यह माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगा। कहानी लूना की जुबानी। पियानो की आखिरी नोट बजाने के बाद मैं सांस छोड़ी, फिर पियानो की तरफ देखने लगी जो मेरा इकलौता स्कूल में दोस्त है। मैंने घड़ी देखी तो 1 घंटे से इस कमरे में बिताए थे और अब घर जाने का वक्त आ गया था। जब कोई बात बिगड़ जाए, एक जानी पहचानी आवाज से मेरा ध्यान भंग हुआ। जब मैं देखने के लिए अपना सर घुमाया कि आवाज कहाँ से आ रही है, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मैक्स सोफे पर आराम से आंख बंद करके लेटा हुआ था और अपने हाथों को सिर के नीचे रखा हुआ था। वह जिस तरह से मुझे देख रहा था, मेरी सांसें लगभग रुक गई। यह यहाँ क्या कर रहा है? क्या मुझे पियानो बजाता हुआ सुन रहा था? मैं म्यूजिक में इतनी खो गई थी कि कब वह चुपचाप अंदर आ गया मुझे पता ही नहीं चला। तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो? यह पहला सवाल जो मेरे मुंह से निकला। मेरी माँ भी यह गाना बजाना बहुत पसंद करती है। मैक्स खड़ा हो गया, छोटी सी मुस्कान उसके होठों पर छुआ जैसे वह मेरे करीब आने लगा। उसके हाथ उसके पॉकेट में थे। पियानो की लीड के सामने आकर खड़ा हो गया। कहा, पर तुम इस गाने को बिल्कुल अलग तरीके से बजाती हो। यह कह सकता हूँ मुझे उसकी बातों को अनदेखा करना चाहिए था, पर उत्सुकता मेरे अंदर जागने लगी। मैंने पूछा, अलग कैसे? कहते हुए मैं दरवाजे पर नजर दौड़ाई कि कोई झांक तो नहीं रहा। उसने कहा, तुम्हें पता है कि हर गाना अलग तरह से सुनाई देता है। यह निर्भर करता है कि बजाने वाले की भावनाएं कैसी है। मैंने अपनी भौं ऊंची की। कहा, तो इसके बारे में क्या? आखिर मेरे गाने में इसने क्या अलग सुन लिया? उसने सांस छोड़ी। कहा, यह सबसे दुखद जब कोई बात बिगड़ जाए का ट्यून है जो मैंने अपनी जिंदगी में सुना है। कुछ सेकेंड तो मेरे पास शब्द नहीं थे और उसके बाद मैंने जवाब दिया। तुम बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। मैक्स मेरी बात का कोई करारा जवाब नहीं दिया, बल्कि वह अपने चेहरे में काफी सीरियस भाव के साथ मुझे देखता रहा। फिर कुछ देर में कहा, तुम्हें क्या खा रहा है?
एक पल के लिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने पूछा, क्या? उसने दोहराया, मैंने पूछा तुम्हें क्या खा रहा है। मैं खामोश थी। कुछ देर बाद उसने कहा, तुम दुखी हो, जिसे सुनकर मैं घेरा बंद हो गई, फिर से चुप्पी थी। तुम ठीक नहीं हो, मैक्स कहा, क्या तुम्हें दर्द दे रहा है लूना, मेरी आंखों में देखते हुए कहा। उसके सवाल मेरे दिल के सही जगह पर लगे थे, ऐसा लगा जख्मों पर कोई नमक डाल रहा हो। मैंने सोचा मजाक मजाक में बात टाल देती हूँ, कहा तुम क्या कह रहे हो, मैं ठीक हूँ, मैं इन सब चीजों की परवाह नहीं करती जो मेरे आसपास होता है, तुमने तो देखा ही है ना मुझे, मैंने उससे कहा। उसने कहा, क्या सच में तुम ऐसा पसंद करती हो कि हमेशा अकेली रहोगी, कोई तुमसे बात नहीं करता, तुम्हें नहीं लगता यह बहुत दयनीय है कि अपना लंच तुम एक अकेले कोने में खाती हो ताकि कोई तुम्हें नकल ना कर सके। मेरी आंखें जलने लगी, सांस लेने में मुश्किल होने लगी, आखिर यह अचानक इतना मतलबी क्यों हो रहा है। अब मेरी आवाज कांपने लगी। मैंने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो मैक्स, मेरे दर्द को छुपाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उसने कहा, तुम्हारे हाथ में केमिकल गिर जाए तुम मर जाओ, किसी को तुम्हारी परवाह नहीं, और यह राज लड़का, तुम्हें पता भी है वह तुम्हें कितना तुच्छ समझता है। मेरा दिल टूटने लगा यह सोचकर कि पहले राज मुझे प्यार दिखाया करता था। क्या तुम उससे डरती हो, उसने उपहास किया, क्या तुम उससे भागने की कोशिश करती हो। मैक्स मेरे और ज्यादा करीब आ गया, जब उसका चेहरा मेरे से एक इंच दूरी में था, उसकी हरी आंखों में देखकर मुझे एहसास हुआ मेरी आंखों से आंसू झिलमिलाने लगे थे। मेरा दिल यह सोचकर टूटने लगा कि वह देखना चाहता है कि मैं टूटने से कब तक खुद को रोक सकती हूँ। वह धीरे से फुसफुसाया, अब भी कह रही हो तुम ठीक हो, और अपने हाथ के उल्टे साइड से मेरे गाल को हल्का सा छुआ, जैसे कि वह मेरे अंदर से मेरी तकलीफ खुद ले लेना चाहता हो। उसके स्पर्श से मैं हल्की सी कांप उठी, और इस एहसास से मैं चौंक उठी कि उसकी आवाज भी कांप रही थी। मैं पता लगाऊंगा तुम्हारे साथ यह किसने किया है लूना। जब मैक्स चला गया, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसा महसूस करूं। पूरे एक साल में किसी ने पहली बार यह जानने की कोशिश की कि मैं कैसा महसूस करती हूं। कई सारी चीजों की चिंता थी, मुझे उसकी चिंता थी, लेकिन मुझे बेहद घबराहट हो रही थी। मैक्स को दूसरे लोगों से यह बात पता लगे तो क्या वह भी दूसरों की तरह बन जाएगा। जब मैं उठकर बाहर जाने ही वाली थी, तभी मेरी आंखें उस पर पड़ी जो दरवाजे से अंदर आया, रेखा। मैंने देखा उसकी आंखों में वही गुस्सा था, वही दुख था। मैं उसे मिस करती हूँ, मैंने कहा। रेखा अपने होंठ को पतली लाइन बनाई, शरीर एकदम टाइट हो गया। कहीं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे खुशी हुई कि आखिर उसने कम से कम इतना कहा, हमेशा मैं ही उससे यह कहती हूँ। उसने कहा, मेरे बर्थडे पार्टी का इनविटेशन। मेरा दिल डूबने लगा जब उसकी आवाज बीच में ही टूटने लगी। उसने कहा, मुझे पता है यह सबसे बेकार काम है, मैंने तुम्हें जानबूझकर अतिथियों की सूची से हटा दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम वहाँ। मेरी आंखों से आंसू के पुल निकलने लगे। हम दोनों पूरे एक साल से ऐसे हैं। पिछले साल मैंने अपना बर्थडे नहीं मनाया था क्योंकि जो तुम्हारे और राज के बीच में कैफेटेरिया में हुआ था, उसके बाद मेरा दिल टूट गया था। शायद मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी, पर मैं तैयार नहीं थी, कांपते हुए आवाज में कही। मैं तुम्हें माफ करने को तैयार नहीं थी, बताओ तुमने मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताई थी, उसने पूछा। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ यह नहीं कर पाई, मैं तुम्हें घायल हालत में नहीं देख सकती थी। उसने कहा, क्या तुम्हें एहसास है तुमने मुझे और दुख पहुंचाया उन सब चीजों को छुपाकर। मैंने कहा, हाँ हुआ है मुझे एहसास, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो रेखा। तुम्हें पता है मैं कितनी दुविधा में पड़ गई थी जब राज ने तुमसे अपना प्यार स्वीकारा था। मुझे लगा था तुमने सुना कि मैं किस तरह से पागलों की तरह राज को पसंद करती हूँ। मैं शायद दुनिया में सबसे बेवकूफ इंसान थी। मैंने कहा, बताओ मैं क्या करूँ तुमसे माफी पाने के लिए। अब मैं बहुत ज्यादा रोने लगी थी, मेरे दिल में बेहद दर्द हो रहा था। उसने कहा, मैं भी अपनी बेस्ट फ्रेंड को मिस करती हूँ। उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, बहुत रोया। आखिरकार उसने मुझे अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया था। वह दिन आ गया था, मेरी बेस्ट फ्रेंड रेखा का जन्मदिन। मैं बेहद खुश थी, चहक रही थी। साल भर पहले उसके लिए एक ज्वेलरी खरीदी थी, उसके साथ मैंने एक कार्ड भी अपने हाथों से उसके लिए लिखा। मेरी माँ कहने लगी, तुम तो बहुत एक्साइटेड होगी आज की पार्टी के लिए। मैं हंसने लगी, कहा, हाँ माँ। मेरी माँ कहने लगी, हाई स्कूल के दिन बहुत ही सुनहरे होते हैं,
आजकल तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हमारे घर पर नहीं आती। इन दिनों का पूरे अच्छे से फायदा उठाना चाहिए बेटा। मेरी माँ ने खुद अपने हाथों से मुझे तैयार होने में मदद की थी। मैंने एक बिकिनी पहनी थी जिसमें तरह तरह के फूल लगे हुए थे। उसके साथ मैंने एक मैचिंग मुकुट सर पर पहना था और एक लाल छोटी सी स्कर्ट जो मेरे थाई से थोड़ी ऊपर थी। एक पल के लिए लगा कि कुछ ज्यादा सेक्सी तो नहीं है, पर आज की थीम वही थी, पार्टी थीम। मैं अपनी पार्टी में कार में पहुंची। मैं बेहद घबराई हुई थी। लोग समझते हैं मैं घमंडी हूँ, पर मुझे कार चलाना नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है मैं कार चलाऊंगी तो किसी को धक्का दे दूंगी, इसलिए ड्राइवर मुझे छोड़ता है। पार्टी में पहुंचकर अंदर जाने से पहले मुझे बेहद घबराहट होने लगी, क्योंकि मैं एक आउटकास्ट हूँ, पर दूसरे लोगों को मेरी उपस्थिति से फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई मुझ पर ध्यान नहीं देगा। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए यह करना चाहती थी। कहानी मैक्स की जुबानी। यह सूट पहनना एक मुसीबत है जब मैं गर्मियों में अलग तरह की पार्टी चाहता हूँ, पर थीम आज का यही है। यह पहला बर्थडे पार्टी इनविटेशन था स्कूल में आने के बाद, और यह बर्थडे गर्ल एक बॉल डांस रूम भी अरेंज करा रखा था। काश कोई ऐसा पार्टी होता जहां हम बैठकर सब मिलकर मस्ती करते और खाना पीना खाते। मैं इस बॉल में जा ही क्यों रहा हूं? मेरे क्लासमेट आने के लिए ऐसे कह रहे थे जैसे मैं ना आऊं तो वह अपने आप को गोली से उड़ा देगी। जब मैं उसकी पार्टी में आया तो मैं बॉल रूम ढूंढने लगा। बॉल रूम में आकर देखा कि रेखा ने सिर्फ पूरे क्लास को ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल को बुला लिया था। अंदर आया तो एक आवाज आई, मैक्स तुम आ गए। सामने रेखा थी जो कि लाल गाउन में थी, अपने शरीर के दर्शन करवा रही थी। वह दौड़ती हुई मेरे पास आई और मुझसे लिपट गई। मैंने कहा हैप्पी बर्थडे रेखा। जब एक दूसरे को छोड़ा उसने कहा थैंक यू तुम मेरे पार्टी में आए, और मेरा मन उस बादामी बालों वाली लड़की को ढूंढने में लगा जो कि मुझे पता है कि वह नहीं आने वाली है। मुझे इस बात से गुस्सा है कि मैं उसे इतना उकसाया, उस हद तक ले गया, फिर भी उसने अपनी जुबान बंद रखी। मुझे उसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। कहानी लूना की जुबानी। जब मैं रेखा के घर पहुंची, वो बहुत बड़ा घर था, तो मैंने गार्ड से पूछा कि आपको पता है पार्टी कहाँ होने वाली है? पार्टी तो गार्डन में होना चाहिए था, पूल के पास। गार्ड का मुंह खुला का खुला रह गया। इससे पहले कि वह मेरे सवाल का जवाब देता मेरा फोन बजने लगा। तुम कहाँ हो? यह रेखा की आवाज थी। इससे वह और जल्दी आने को कह रही थी और पीछे म्यूजिक की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने कहा मैं तो अभी आ गई हूँ, पर सब लोग कहाँ हैं? लगता है मैं खो गई हूँ, यह घर इतना बड़ा है। उसने कहा सामने जो काला दरवाजा नजर आ रहा है उससे अंदर तुम आ जाओ। चेहरे में मुस्कान आ गई। मैं उसे मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। उसके बताए हुए रास्ते में मैं जैसे ही पहुंचकर कमरे के अंदर आई, सब कुछ मानो स्लो मोशन में होने लगा। मैं एक बॉल रूम के अंदर थी जहाँ ढेर सारे लोग थे जो साथ के साथ मेरी ओर मुड़कर देखे। मेरा दिल मानो थम सा गया, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। पूरा स्कूल मेरे सामने खड़ा था, वह भी फॉर्मल बॉल ड्रेस पहनकर। सब लोग सूट और गाउन पहनकर थे और मैं यहाँ अकेली बिकिनी पहनकर खड़ी थी। मेरे अंदर डर सवार हो गया, मेरे हाथ कांपने लगे और रेखा का गिफ्ट मेरे हाथ से गिर गया। चारों तरफ से आवाज मेरे कान में गूंजने लगी और उसके बाद सब जोर जोर से हंसने लगे। मेरा सीना ऊपर नीचे हो रहा था, मैं अपनी सांसें खुद सुन सकती थी। मैं यहाँ पर अभी भी क्यों हूँ? इस दुनिया में मैं क्यों हूँ? मेरे पैर कांपने लगे, मुझे लगा किसी भी वक्त मैं गिर जाऊंगी। इस जालिम दुनिया की आवाज मेरे कानों में आने लगी, लुनेटिक लुनेटिक। सब लोग पागल कह रहे थे, यह तो बिल्कुल पागल है, क्या ड्रग्स लेती है? अरे लुनेटिक तुम गलत पार्टी में तो नहीं आ गई क्या? एक लड़का हंसते हुए कहा। पार्टी में मेरी नजर राज पर पड़ी तो मेरा मजाक बनाकर आंखें हटा ली, जबकि सोनिया उसे पकड़कर हंस रही थी। यह रेखा थी, यह रेखा की वजह से मैं इस पार्टी में आई थी। उसने कहा था मुझे माफ कर दिया है। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। पूरे स्कूल के सामने मैं बेइज्जत हो गई थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उसे हमेशा के लिए खो दिया। एक लड़का वहाँ खड़े खड़े अपने पोलरॉयड कैमरा से मेरी फोटो खींचने लगा, लेकिन कोई सामने आकर बुरे तरीके से उन तस्वीरों को खींच लिया और फाड़ दिया। यह भी देखा उस लड़के की मुट्ठी गुस्से से कांप रही थी। मैक्स, फोटोग्राफर मैक्स से दूर हो गया। यह किसका आइडिया है? मैक्स की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी, जिससे कई लोग डर कर कूदे। सबकी ओर देखा, फिर आखिर में मेरी ओर देखकर पूछा, लूना यह किसका आइडिया था?
मुझे लगा मेरी आंखों में आंसू गिर जाएगा, इसलिए मैंने उसे अपनी आंखें हटा दी और रेखा की ओर देखा। तो यह इसका आइडिया है, उसकी आवाज में जहर था। रेखा बिल्कुल डर गई जब मैक्स ने उसको घेरे में लिया। अगली बार मुझे बुलाना मत, क्योंकि तुम्हारा जन्मदिन कुछ ऐसा नहीं है जिसे सेलिब्रेट किया जाए, उसके मुंह से निकला। वह बहुत रुखा था, लेकिन फिर मैक्स मेरे पास आया, मेरे हाथों को पकड़ा और मुझे लेकर उस जगह से बाहर निकल गया। क्या अब वक्त आ गया है कि लूना मैक्स के सामने अपना दिल खोल कर रख दे, मैक्स की बाहों से लिपट कर अपना दर्द उससे बांटे? क्या यह हादसा जो अभी अभी लूना के साथ हुआ, यह मैक्स और लूना को करीब लेकर आएंगे और उन्हें अलग कर देंगे? क्या करेगी रेखा मैक्स को वापस पाने के लिए? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुने। दोस्तों, इस कहानी के पिछले एपिसोड्स मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।